नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस लेक्चर में मैं मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूं और सारी कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों। एक एक काफी लंबा और बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन लंबा होगा तो क्या हुआ, मैं पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों पूरी। जो लोग ढंग से पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, उन लोगों को पूरी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलना चाहिए, तो मैं पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि लेक्चर्स थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन लंबा होने का कारण भी ये रहता है कि मैं हर चीज को बताने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो इस लेक्चर में मैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में यहाँ लिख रखा है दोस्तों, उसको मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। पूरी चीजों को डिस्कस करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिख रखा है दोस्तों। तो दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष यानी भारत की आजादी की लड़ाई, यानी भारतीय आजादी की लड़ाई है ना, ऐतिहासिक घटनाओं का एक क्रम था। ऐतिहासिक घटनाओं का जो एक क्रम था जिसका मकसद भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करना था है ना, भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। यह लड़ाई दोस्तों 1947 तक चली है, 1947 तक चली है, और 47 तक के पूरे फैक्ट दिए हैं काम के यहाँ पे दोस्तों। तो उस आंदोलन से जुड़ी यहाँ पे फैक्ट के रूप में, उस आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में यहाँ पे फैक्ट के रूप में कुछ खास बातें और खास फैक्ट लिख रखे हैं दोस्तों, जो मैं पूरे बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों है ना। तो देखो क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे तो भारत में यूरोपीय लोगों के आने के बाद ही आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी दोस्तों। जब यूरोपीय लोगों के आने के बाद ही भारत में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। भारतीय आजादी की लड़ाई का पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में हुआ था दोस्तों, बंगाल से शुरू हुआ था। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ था दोस्तों, वो ही है यहाँ पे, बंगाल से शुरू हुआ था पहला वाला, बंगाल से शुरू हुआ था दोस्तों, जिसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं दोस्तों। सन्यासी विद्रोह के नाम से शुरू हुआ था दोस्तों। तो सन्यासी विद्रोह, तो यहाँ पहला फैक्ट देखिए, पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ये याद रखना है। मैंने इधर साइड भी ये पूरा फड़ा दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, दूसरे PDF में कहाँ गए। हाँ, ये भारत में पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं। बंगाल बिहार में हुआ था है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं मैं आपको, सन्यासी विद्रोह के बारे में। क्वेश्चन तो यही आएगा, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा हुआ था? सन्यासियों के द्वारा हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी आपको काम की बता दूं, 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में हुआ था एक विद्रोह था। यह विद्रोह हिंदू तपस्वी सन्यासियों और साधुओं ने किया था दोस्तों। इस विद्रोह कब हुआ था? 1770 से लेकर 1820 तक के चला, 1770 से लेकर 1820 के बीच हुआ था दोस्तों, उनके बीच में हुआ था ये विद्रोह है ना। इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल के भीषण अकाल के बाद हुई थी दोस्तों, जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था उसके बाद हुई थी। इस विद्रोह के पीछे की वजह अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ यात्रों पर लगाए गए प्रतिबंध थे दोस्तों। इस विद्रोह में जमींदार, कृषकों ने, शिल्पकारों भी शामिल हुए थे, उन्होंने भी भाग लिया था इस विद्रोह में। इस विद्रोह में शामिल लोगों ने कंपनियों को कोठियों और कोसों पर हमला किया था। इस विद्रोह के दौरान लोगों ने कंपनी के सैनिक से काफी वीरता से लड़ाई की थी दोस्तों है ना। इस विद्रोह के दौरान सन्यासियों ने अपनी एक अलग सरकार बनाने की सोची, जिसे केना सरकार और दर्जी नारायण बोल सकते हैं हम है ना, और बनाने की कोशिश करी थी, जिनका नाम उन्होंने रखा था बोगरा है ना, और दूसरा नाम रखा था मैमन सिंह है ना। ये दो नाम रखे थे दोस्तों है ना, बोगरा और मैमन सिंह, अलग सरकार बनाने की सोची इन्होंने। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में भवानी पाठक का नाम आता है दोस्तों, कई सारे लोगों का नाम आता है, भवानी पाठक, देवी चौधरानी का नाम आता है, गणेश गिरी का नाम आता है, मजनू शाह का नाम आता है, मूसा शाह का नाम आता है, चिराग अली जैसे नाम शामिल है दोस्तों है ना, शामिल है दोस्तों। तो ये जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, इस विद्रोह के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली? देखो विद्रोह तो हो गया था उस टाइम पे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिखी है ना। तो देखो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बकीम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों, आनंद मठ में किया गया है। तो हम बोल सकते हैं इस विद्रोह को लेकर बकीम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है। इस विद्रोह को लेकर बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है।
आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है, तो उस उपन्यास से हमको सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है, इतना याद रखना है। तो अपने को दो फैक्ट याद रखना है, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है ये याद रखना है, ये दो फैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट बात करेंगे 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था दोस्तों। तो भारतीय सुधार समिति 1887 में कहाँ पे किए थे, इंग्लैंड में, नाम याद रखना है कहाँ पे, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी, है ना, स्थापना की गई थी दोस्तों, है ना, जो भारत में सामाजिक और नैतिक सुधार लाने के लिए की गई थी, भारत में सामाजिक और नैतिक सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखना है। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया, की स्थापना की गई थी, ये याद रखना है। पूछा जा सकता है भारतीय सुधार समिति इंग्लैंड में, दोस्तों याद रखना है इंग्लैंड में, भारत में भी एक भारतीय सुधार संघ बना है तो उसको मत समझना, भारत में भी एक भारतीय सुधार संघ बना था जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1870 में की थी, 1870 में की थी, लेकिन इंग्लैंड वाला पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखना है। क्यों की थी, तो भारत में सामाजिक और नैतिक सुधार लाने के लिए की थी, इतना याद रखें। अगला फैक्ट देखिए, 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला जा रहा था, कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला जा रहा था। तो दोस्तों क्या हुआ था, सरकार कांग्रेस के समर्थक में थी शुरू में दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के समर्थन में थी, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के समर्थन में थी शुरू में, जब 1885 में स्थापना हुई थी तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के समर्थन में थी, लेकिन 1887 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के उलट कर रख दिया दोस्तों, कांग्रेस को उलट कर रख दिया और कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, ब्रिटिश सरकार का रुख, उनका व्यवहार, उनका रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चले गया। तो क्यों कठोर हुआ, तो मैं आपको बताऊं, नरमपंथियों की सोच पहले यहाँ थी कि भारत का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही हो सकता है, उनकी सोच ये थी कि भारत का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही हो सकता है, परंतु कुछ समय बाद उनका यह भ्रम टूट गया और उनको समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार जो है ये भारत में व्यापार करने से तो आई, लेकिन यहाँ शासन कर रही है और अपने हिसाब से हर चीज चला रही है, ये समझ में आ गया, है ना। तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देशद्रोही और विप्लवी के नाम से बुलाने लगी दोस्तों, कि देशद्रोही यानी देश के खिलाफ इन लोग विद्रोह कर रहे हैं, हमारे खिलाफ इन लोग विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए 1887 में के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, ये याद रखना है। अगला बात करते हैं, देखो धन के विकास का प्रतिपादन किसने किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, धन के निष्कासन बोल सकते हैं अपन उसको, या निष्कासन तो ऐसा बोल सकते हैं, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो नौरोजी दत्त और वाचा, तो दत्त और वाचा भी शामिल थे इसमें, नौरोजी और दत्त और वाचा भी शामिल थे, है ना, तो रमेश चंद्र दत्त और वाचा, है ना, ये दो नाम मिलते हैं, रमेश चंद्र दत्त और वाचा, तो ये दो लोग भी शामिल थे, लेकिन नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का, है ना, दादा भाई नौरोजी धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कभी पूछेगा धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखना है। धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से धन की निकासी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। यह किताब साल 1901 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, है ना, और उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की भी की थी, लंदन में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक आलोचक भी थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक आलोचक भी थे, याद रखना कौन, ये दादा भाई नौरोजी, और 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष भी चुन चुके हैं, है ना। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे धन धन विकास के सिद्धांत, यानी धन धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। और कौन सी पुस्तक में किया था याद रखना, ये पुस्तक का नाम भी याद रखना, इस पुस्तक में किया था, है ना। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन भी है उसमें, धन के पलायन के सिद्धांत का वर्णन भी है। और जैसे राष्ट्रवादी विचारकों का नाम भी आता है इसमें, जैसे कि दत्त और वाचा का भी राष्ट्रवादी विचारकों के नाम भी इसमें शामिल है कि इन्होंने भी धन के विकास, धन के निष्कासन के इस प्रक्रिया में के ऊपर प्रकाश डाला था, इन लोगों ने भी प्रकाश डाला था, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट फिगर बात करते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशवरी से, कहां से, जगह का नाम है ये फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था, 1892 में चुनाव जीता था दोस्तों। कब जीता था? फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था। लेकिन दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन आता है, देखो चुनाव जीता था इन्होंने, क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको आता है हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी था दोस्तों, याद रखना है। उन्हीं का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने सबसे पहले लड़ा था दोस्तों। तो भारतीय बैरिस्टर भी बोलते थे इनको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे ना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वे वहां ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, है ना। वे, मैं फिर से यहां पे लिख के बता देता हूं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वे जीत नहीं सके थे। कुछ समझ में आ रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जीते नहीं, लेकिन दादा भाई नौरोजी जीते थे। तो कभी क्वेश्चन आया पहले कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन वो जीते नहीं थे, लेकिन जीत हासिल करने वाले ये थे, इसलिए इनका भी नाम सर्वप्रथम भारती में आता है ना। समझ में आया कुछ? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले थे लेकिन वो जीते नहीं थे, और ये जो थे ये जीते थे। देखो यहाँ पे चुनाव जीते थे, कब जीते थे, कहां से जीते थे, किनने जीता था, दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना है, जो मैंने काम की चीज बता दिया। अब आगे चलते हैं अपन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। इसके बारे में बताऊं आपको, बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय कर्जन ने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना है, किसने की थी करके, लॉर्ड कर्जन ने की थी, ये पूछेगा, लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन के पीछे भाषा और धर्म का तर्क दिया गया था। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिंदू थे और पूर्वी बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान थे दोस्तों। कलकत्ता बंगाल की राजधानी थी, जबकि ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, और 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन था, पूरे बंगाल में शोक दिन घोषित किया गया था, है ना, शोक दिन घोषित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे करके बोला गया दोस्तों, है ना, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
इंडिया शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया था दोस्तों, है ना। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है का नारा लगाए गए थे, बंगाल एक है के नारे लगाए गए थे, ये याद रखना, ये फैक्ट अपने को पता रहना चाहिए, है ना। स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था और पूरे देश में फैल गया था। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इस आंदोलन के जरिए भारत में बने सामान का इस्तेमाल बढ़ाकर, भारत में बने सामान का इस्तेमाल बढ़ाकर ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था दोस्तों, आर्थिक नुकसान पहुंचाना था। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष सभी ने सामान्य रूप से भाग लिया था दोस्तों, है ना। इस आंदोलन में विदेशी माल की दुकानों का घिराव किया गया था, विदेशी मामलों को सार्वजनिक होली जलाई गई थी, विदेशी सामानों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी, कपड़े जलाए गए थे। आंदोलन में स्वदेशी वस्त्र, मिले, साबुन, तंबाकू और माचिस कारखाने, है ना, टेनरियों और बैंकों की स्थापना की गई थी, तो ये सबको बहिष्कार किया गया था दोस्तों, उसे ही स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसको आया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था कि अपन एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे करके सबसे पहले विचार किसने किया था, स्वदेशी आंदोलन के विचार की शुरुआत कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। उन्होंने 1905 में अपने पत्र संजीवनी में स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा था। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी, ये याद रखना है, इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। सर्वप्रथम विचार किसको आया था, यह भी याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है ना। तो आंध्र प्रदेश और डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा था। जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका था दोस्तों, आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका था, उस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाने जाने लगा था। यहाँ पर कुछ टिप्पणियां की गई है उसके बारे में देखते हैं। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई थी, तो किसने कौन सी टिप्पणी की है ये अपने को पता रहना चाहिए। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस को अल्प यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डफरिन ने क्या कहा था, तो डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था, है ना। तो उसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। उसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, ये सब जानकारी होना। करजन की बात करते हैं, करजन ने क्या कहा था, करजन ने कहा था, लॉर्ड करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ऐसे ये कथन किसका था करके क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, है ना। तो इसने कहा था, इसका कथन था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, इसलिए याद रखना, करजन ने कहा था। अरविंद घोष ने क्या कहा था, उसका कथन ने क्या था पता रहना चाहिए अपने को। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अरविंद घोष का कथन कौन सा था, तो कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसने कहा, कब पूछा जा सकता है, तो ये किसने कहा, तो अरविंद घोष ने कहा था, याद रखना है। बकीम चंद चटर्जी ने क्या कहा था, इनका कथन क्या था, तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, ऐसा कहा था किसने, बकीम चंद चटर्जी ने। बकीम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था, बकीम चंद चटर्जी ने कहा था। तो ये कुछ किसने क्या कहा अपने को पता रहना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, कथन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों वन डे एग्जाम, स्टेट, पीसीएस, है ना, ऐसी एग्जामों में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में पेश किया गया था, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में पेश किया गया था, अपने को याद रहना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने 1907 में सूरत अधिवेशन किया था दोस्तों, सूरत अधिवेशन किया था, समझ में आया, कांग्रेस ने 1907 में सूरत अधिवेशन किया था दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था।
जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो दलों में बट गई थी दोस्तों। इसे ही सूरत विभाजन या सूरत फूट कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी, यहाँ वही लिखा हुआ है देखो। तो स्वदेशी आंदोलन चलने के तरीके को लेकर कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन उग्रवादी गरम दल और उग्रवादी नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी, बट गई थी दोस्तों। इसी सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, अध्यक्षता याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है अपने को, कांग्रेस कब अलग हुई थी, उसका विभाजन कब हुआ था, पूछा जा सकता है सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना गीत, प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा था दोस्तों। अमार सुनार बांग्ला लिखा था। यहीं से इस गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया है दोस्तों। यहीं से ये गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, तो बांग्लादेश का और अपने भारत का। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे, पता होना ये चीज़ें, है ना। अगला बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास कर दिया गया था इनको। 18 माह के कारावास हुई, फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ था दोस्तों। 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया था। 1908 से लेकर 1914 तक बर्मा में जेल था दोस्तों, बर्मा, है ना। बर्मा नाम था किसका, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। और वहां पे बर्मा में एक जेल था जिसका नाम था मांडले जेल। मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे इनको। और मांडले जेल में जब ये 6 वर्ष काट रहे थे दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक ने 400 पन्ने की एक किताब लिख डाली वहां पे। 6 साल में 400 पन्ने की एक किताब लिख डाली, तो उस किताब का नाम था गीता रहस्य। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गीता रहस्य किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने, कौन से जेल में लिखी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बर्मा के मांडले जेल में लिखी थी, ये भी पूछा गया, याद रखना है, है ना। और बस गीता रहस्य से इतना ही। क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखने पर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था 1908 में इनको गिरफ्तार, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो समाचार पत्र में लिखते थे, तो इसलिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्लेग के समय जादातियों के प्रभावित होकर पूना में चापेकर बंधुओं ने, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों को चापेकर बंधु कहते थे, इन्होंने प्लेग अधिकारी, तो दोस्तों प्लेग अधिकारी हुआ करता था, प्लेग से जुड़े कामों के लिए। जो प्लेग फैला था दोस्तों, प्लेग एक बीमारी थी, एक गंभीर संक्रमण रोग होता था, बैक्टीरिया रोग होता है प्लेग, है ना। तो प्लेग से जुड़े कामों के लिए स्वास्थ्य विभाग में प्लेग से कुछ जुड़े हुए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी अंग्रेज सरकार ने। तो एक प्लेग अधिकारी था जिसका नाम था रैंड, और एक का नाम था एयरस्ट, है ना। ये दोनों की हत्या कर दी थी दोस्तों। तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेंड और एयरस्ट की हत्या कर दी प्लेग के समय जातियों के प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेंड की हत्या कर दी दोस्तों। तो ये पता होना अपने को, हत्या कर दी ऐसा हुआ था। तो किसने हत्या करी थी, चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी, ये फैक्ट अपने को पता होना। अब इधर बात करते हैं अपन 1893 वर्ष में कुछ परिवर्तन बिंदु दिए हुए हैं, पूरे इंपॉर्टेंट है ये पूरे बिंदु, इनके बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1863 को कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 लिखा है, 1902 को वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुई थी, याद रखना है। उसके बाद क्या याद रख सकते हैं आप स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद का कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परम हंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, ये भी याद रख सकते हैं, है ना। उसके अलावा बात कर सकते हैं इनसे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ
दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था इनका वास्तविक नाम, है ना। इन्होंने अमेरिका के शिकागो में 1893 में, सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, है ना, दोस्तों ये याद रखना है, है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। तो अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचते कब, 1893 में, और सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वक्तावत संबोधन किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने ना केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया था। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट ने भारत का नाम रोशन कर दिया था। उन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना रख सकते हैं आप दोस्तों। इतनी काम की चीज़ जो थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो काम का लगा मुझे, है ना, बस इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे, 1893 में ही 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई थी। 1893 में उन्होंने लेखमाला जिसका नाम था न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशन किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिहार पीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन, एबीपीएससी में भी आ चुका है। न्यूज लैंप फॉर ओल्ड की श्रृंखला किसने लिखी थी, है ना, तो किसने लिखी थी, तो उसके लेखक अरविंद घोष थे। अरविंद घोष थे, याद रखना है। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड श्री अरविंद घोष द्वारा लिखा गया, 1893 में प्रकाशित किया गया था। ये भारत के एक सिद्धांतवादी योगी गुरु कवि और राष्ट्रवादी थे दोस्तों, बस इतनी चीज़ें याद रखना है ये फैक्ट से, 1893 में ये हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, 16 नवंबर 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है, है ना, और वे वाराणसी शहर में रहने लगी। भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। संस्कृति से भी मैं तुम्हारे लोगों में एक ही हूँ। तो एनी बेसेंट भारत आई, और एनी बेसेंट भी कब आई थी, यही सन था 1893। उसके बाद करते हैं बात महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी भी 1983 में, महात्मा गांधी अब्दुल सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होना, 21 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे वो। कब 21 साल बाद दक्षिण 21 साल तक के दक्षिण अफ्रीका में रहे थे कौन, महात्मा गांधी कब गए थे, है ना, ये कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दोस्तों महात्मा गांधी, है ना। तो ये अपन को याद रखना है, 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे के लिए गए थे ये पता होना अपने को, अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। और लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, 21 साल बाद जब वो लौटे दोस्तों, तो बस इतना ही। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था सब जानते हैं, 2 अक्टूबर को 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था
पोरबंदर में, गुजरात का एक शहर है दोस्तों पोरबंदर, पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर है ना, पोरबंदर में हुआ था, याद रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। तो कब हुई थी, 1948 की तारीख है 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 को कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इतनी जानकारी अपने को होना है ना। तो ये कब गए थे ये पता होना, 1983 में ही गए, यानी 1883 में ही गए थे। अगला फैक्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्थान सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ अब सुटेबल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। दोस्तों आता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1983 में सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ एब्सटेक्सल टू द हिंदू रिलीजन है ना स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था नासिक में, तो चापेकर बंधुओं ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, चापेकर बंधुओं ने नासिक में स्थापित किया था, ये हिंदू रिलीजन था। तो ये पूरे का नाम याद रखना है, सोसाइटी फॉर द हिंदू रिलीजन, ये किसने स्थापित किया था, चापेकर बंधुओं ने नासिक में स्थापित किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी विचारक को रविंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त ने फैलाया था, बंगाल में है ना, किसने फैलाया था, क्वेश्चन आता है किसने फैलाया था, तो इसने फैलाया था दोस्तों किसने, वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था है ना। और 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने, 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पत्रिका लिखी थी दोस्तों, भवानी मंदिर नामक पत्रिका लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, भवानी मंदिर नामक पहली किताब किसने लिखी थी करके, पुस्तक थी किताब थी, तो वरिंद्र घोष ने लिखी थी, याद रखना है, वरिंद्र घोष ने 1905 में क्रांति से संबंधित भवानी मंदिर नामक किताब लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई है दोस्तों, जी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर भी लिखा हुआ है कई जगह, युगांतर पत्रिका के संपादक थे दोस्तों, युगांतर नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया था, युगांतर नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया था, कब, 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, युगांतर पत्रिका के संपादक वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बंगाल में पी मित्र का नाम था, इसको प्रमथनाथ मिश्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था दोस्तों। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में सतीश चंद्र बोस और बैरिस्टर प्रमथनाथ मिश्रा ने की थी, मित्रा ने की थी। यह गुप्त क्रांतिकारी समाज था, इस समिति गुप्त क्रांतिकारी संगठन और समाज बनाया था दोस्तों। तो बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति 500 शाखाएं खोली गई थी इसकी। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनागो को पेरिस भेजा था। जिससे रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्की ने बम बनाना सिखाया था। तो रूसी क्रांतिकारी था जिसका नाम था निकोलस फ्रांसिस्की ने इसे बम बनाना सिखाया था। किसको?
हेमचंद्र दास कानूनागो को। तो क्वेश्चन अपने को पता रहना चाहिए, आ सकता है हेमचंद्र दास कानूनागो को किसने भेजा था, अनुशीलन समिति ने भेजा था। नेक्स्ट फैक्ट है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी दोस्तों, याद रखना है ना। अभिनव भारत संस्था के सदस्य पी एन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो पेरिस किसको किसको भेजा था दोस्तों, ये पी एन वापट वापट पी एन वापट है ना, पी एन वापट पी एन वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। तो अभिनव भारत नामक संस्था ने पी एन वापट को भेजा था पेरिस, और ये अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनागो को भेजा था, ये याद रखना है ना, पूछा जा सकता है। और अभिनव भारत संस्था स्थापित ने किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने, ये पूछा जाता रहता है 1904 में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी मराठा को जाता है दोस्तों। तो केसरी जो था वो मराठी भाषा का था, याद रखना है, मराठी भाषा का था, और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है, ये पूछा जा सकता है, याद रखना है। तिलक ने ही, बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था दोस्तों, गणपति उत्सव है ना। तो ऐसा कहा जाता है गणेश उत्सव की शुरुआत कब से हुई, तो 1893 से हुई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों को एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से गणेश उत्सव मनाने का सोचा और मनाने की परमिशन लिए किससे, अंग्रेजों से है ना, अंग्रेजों से। तो क्या होता था, पहले गणेश जी घर घर में ही मनाते थे सिर्फ, और पूजा पाठ पूजा अर्चन करते थे, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से मनाने का, जैसे ही कोई मोहल्ले में चौक पे मनाने की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, गणपति उत्सव। तो सार्वजनिक चौक पे जब मनाते थे तो सब लोगों को मिलने जुलने की चीज़ें मिल जाती थी, रात रात भर जगते थे उस टाइम पे, देश की है ना एकता है ना, देश की एकता के नाम पे रात में इनकी चर्चाएँ होती थी, अंग्रेजों को कैसे निकालना है क्या करना है करके, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करते थे एक मेक के लिए। तो ये सब हुआ था दोस्तों है ना, समझ में आया कि किसने शुरू किया था है ना। वैसे ही शिवाजी उत्सव होता था दोस्तों, शिवाजी महाराज की जयंती पर मराठा साम्राज्य के पहले छात्रपति थे, उन्हीं के नाम पर यह संस्था उत्सव मनाया जाता है, शिवाजी उत्सव दोस्तों, जो 19 फरवरी को होता है, यह त्यौहार 19 फरवरी को शिवाजी उत्सव है ना। अगला फैक्ट है, वेलेंटाइन सीराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। तो दोस्तों ये क्या नाम था इनका, इनका नाम ऐसा लिखा रहता है वेलेंटाइन चिरोल है ना, चिरोल वेलेंटाइन चिरोल ये लिखा है कई बुकों में, और यहाँ का लिखा है सिराले, और कई जगह लिखा है चिरोल। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है अनरेस्ट यानी इंडियन अनरेस्ट में इस बुक में ही कहा है, इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है, भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा है, याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का पत्र काल का संपादक परांजपे ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काल का संपादक किसने किया था, पूछा जाता है, काल का संपादक किसने किया था दोस्तों, याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है काल का संपादक किसने किया था, या ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपन लोगों को कुछ बन नहीं पाता वहाँ पे अपन हक्का बक्का रह जाते हैं। काल का संपादक है ना किसने किया था, परांजपे ने किया था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में के जज किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया, गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया था, जिसमें दो महिलाएं और एक बच्ची मर गई थी दोस्तों है ना, मर गई थी।
तो जिसमें प्रिंगले की पत्नी एवं उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, मर गई थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली दोस्तों, ऐसे में बाद में चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 10 वर्ष की अवस्था में यानी 18 वर्ष की अवस्था में 11 अप्रैल यानी 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। 11 अप्रैल 1908 को फांसी दे दी गई थी, है ना, फांसी दे दी गई थी दोस्तों। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे, युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बरिंद्र कुमार घोष थे, युगांतर दल के नेता बरिंद्र कुमार घोष थे। तो अपने को थोड़ी सी खुदीराम बोस के बारे में जानकारी होना। खुदीराम बोस दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए मात्र 18 वर्ष की आयु में भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए थे दोस्तों, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1889 को, इनका जन्म 1889 को हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, हबीबपुर जिला मिदानपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, है ना। गांव का नाम है हबीबपुर मिदानपुर बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाले पुलिस का नाम क्या था, पकड़ने वाले पुलिस का नाम था फतह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा ने पकड़ा था दोस्तों, है ना। खुदीराम बोस के ऊपर मुकदमे किसने चलाया था, जज का नाम था कार्न डप था। सरकारी वकील कौन थे, मानुक एवं विनोद मजूमदार। समझ में आ गया, मानुक एवं विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन थे, कालिदास बोस। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन थे, कालिदास बोस। फांसी की तारीख थी 11 अगस्त दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर लटक गए, फांसी के तख्ते पर लटक गए एक हाथ में गीता लेके। तो मात्र 18 वर्ष की आयु में, यानी हम बोल सकते हैं कि सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी और भारत के लिए महान शहीदों में इनका नाम गिना जाता है, खुदीराम बोस। तो क्यों हुई थी इनको, किंग्स फोर्ड की हत्या करने के आरोप में, और बम फेंक दिए थे किसकी गाड़ी में, केनेडी की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की 1905 में दोस्तों, 1905 में बंगाल में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी स्थापना की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, किसे पूछा जा, किसे कहा जाता है करके पता रहना चाहिए अपने को, है ना। तो किसे कहा जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा को। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आज़ादी के संकल्प को गतिशील करने वाले प्रेरणा स्रोत थे दोस्तों। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑक्सफर्ड से एमए किया और उनको वहाँ पे बार एट ला की उपाधि भी दी गई थी। पुणे में संस्कृत के भाषण से प्रभावित होकर, तो यानी दोस्तों ये इन्हें डायरेक्ट याद रखना है, ये इनको ये पूछा जाए क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, श्याम जी कृष्ण को पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए इसको। उसके बाद बात करते हैं 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्ला खान ने निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ, है ना, सलीमुल्ला खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे, वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था, इसी सम्मेलन से मुस्लिम भारतीय यानी भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। लीग का संविधान 1907 में कराची में बनाया गया, इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन 1908 अमृतसर में हुआ था, आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था दोस्तों, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये चीज पता होना। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ये जानकारी अपने को होना है ना, ये जानकारी अपने को होना। अगला फैक्ट बात करते हैं, भीकाजी रुस्तम कामा है ना, जिसे भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है इनको, भारतीय क्रांति की माँ या जननी के रूप में जाना जाता है इनको है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखना है, भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। भीकाजी कामा जो थे, भीकाजी कामा मैडम, भीकाजी कामा मैडम कामा को भारत के क्रांतिकारियों की मां के रूप में जाना जाता है, भारत की क्रांतिकारियों की मां के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण, उनके योगदान के कारण उनको भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी ये, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मन के स्टुटगार्ड शहर में, जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता फारसी थे, और दादा भाई नवरोजी ने इन्हें निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने, तो इन्होंने दादा भाई नवरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है, तो ये अपने को पता होना थोड़ी सी जानकारी यहाँ से। भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी है ना, विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया था। शहीद हो गए थे ये, मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है, 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहारे ने जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी, जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ऐसा हुआ दोस्तों, तो किसको, किसने गोली मारा, विलियम कर्जन वाइली को गोली किसने मारा था, याद रखना है, मदन लाल ढींगरा ने, और जैक्सन को गोली किसने मारा था, अनंत कनहारे ने गोली मारे थे। तो इस तरीके से ये लेक्चर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन 1911 से जब राजधानी परिवर्तन हुई थी वहाँ से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इतना मैंने डिस्कस किया, ये देखो यहाँ से, तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखा करें, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार समझ में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग तो वैसे भी टैलेंटेड लोग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।